हेलो, चलोगे शाम को पार्टी में? हाँ, 8 बजे के आसपास जाना है। क्या तुम नहीं जाओगे? क्यों, माइग्रेन है? आपने सुना होगा कई लोग माइग्रेन को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि माइग्रेन क्यों होता है और माइग्रेन के पीछे क्या कारण है। दरअसल माइग्रेन एक सीवियर प्रकार का हेडेक होता है, जिसमें व्यक्ति को जो है वो तेज सर्द होता है, सिर के एक हिस्से में दर्द ज्यादा होता है। दूसरा, कई बार माइग्रेन के दौरान व्यक्ति को वोमिटिंग भी होती है और उससे आसपास जो है वो चमक या ऑरा भी दिखाई देता है। माइग्रेन एक सीरियस कंडीशन होती है, जिसमें कि व्यक्ति जो है वो तेज आवाज को अवॉइड करता है, व्यक्ति उसमें स्मेल के लिए ओवर सेंसिटिव हो जाता है, कई बार स्मेल से या तेज आवाज से माइग्रेन जो है ट्रिगर भी कर जाता है। दूसरी तरफ ऐसे लोग जब कभी सनलाइट में निकलते हैं तो उससे भी उनको हेडेक ट्रिगर कर जाता है, कई बार भूखा रहने पर भी माइग्रेन का अटैक पड़ सकता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि माइग्रेन होता क्यों है। दरअसल कई सारे रिसर्च किए गए और अभी तक हमें कोई एग्जैक्ट कारण मालूम नहीं चला है कि माइग्रेन क्यों इंड्यूस होता है, क्यों ट्रिगर होता है। डॉक्टर्स कहते हैं यदि परिवार में माता पिता में से किसी को माइग्रेन की समस्या है तो बच्चों को माइग्रेन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब माइग्रेन जो है वो जेनेटिक्स को फॉलो करता है। माइग्रेन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइग्रेन का अटैक जनरली जो है टीन एज से शुरू होता है और 30 ईयर्स की एज तक जो है वो पीक पर होता है। उसके बाद माइग्रेन का अटैक की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, मतलब 13 से लेकर 30 ईयर्स तक माइग्रेन की पॉसिबिलिटी अधिक होती है। माइग्रेन की संभावना फीमेल्स में मेल की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। रिसर्च से मालूम चला है कि ट्राइजेमाइनल नर्व, जो हमारे फेस को नर्व सप्लाई देती है, वो जब कभी ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल कम होता है तो ट्राइजेमाइनल नर्व जो है वो इस प्रकार से सिग्नल को रिसीव करती है कि वो सिरदर्द को इंड्यूस कर देती है। महिलाओं में ईस्ट्रोजन के लेवल में परिवर्तन होने पर कई बार माइग्रेन का अटैक हो जाता है। यह देखा गया है कि कई बार लोगों को माइग्रेन अधिक स्ट्रेस में रहने के कारण भी होता है। तो स्ट्रेस माइग्रेन से जुड़ा हुआ एक फैक्टर है, तो यदि आप माइग्रेन से परेशान हैं तो स्ट्रेस को लेना कम कर दीजिए। कुछ रिसर्च बतलाती है कि कुछ पर्टिकुलर फूड भी माइग्रेन को इंड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू चीज, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या कुछ सिंथेटिक फ्लेवर्स, वो माइग्रेन को इंड्यूस कर सकते हैं। डॉक्टर बतलाते हैं कि जो लोग अक्सर अपने फूड को स्किप करते हैं उनको भी माइग्रेन की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। रिसर्च में एक बात और मालूम चली है कि यदि आपका स्लीप पैटर्न रैंडमली चेंज होता है तो उससे भी माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है। कुल मिलाकर माइग्रेन आज भी एक अनसुलझी पहेली है और बचाव भी एक मात्र उपाय है। माइग्रेन की दशा में ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने की बजाय हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इसके लिए बेटर डॉक्टर होते हैं न्यूरोफिजिशियन, जो आपकी पूरी जांच करते हैं और उसके बाद आपको सही दवा प्रिस्क्राइब करते हैं।